हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुजफ्फर है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी एक साइट दिखाना चाहता हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रहा था, उसमें बना रहा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरी साइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी मेरे चैनल पे एक आइकन मिल जाएगा। आप यहाँ से जाके मेरी साइट को विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ सिंपल न्यू टैब पे क्लिक करें और यहाँ पर लिखें जैफा यासीन, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको मेरी साइट मिलेगी भी तीसरे नंबर पे। पहले मेरी वाली साइट है, बट वो ब्लॉग स्पॉट है, सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टॉक डाउनलोड करने में, तो मैंने फिर कस्टम डोमेन बाय करके एक साइट बना ली। तो यहाँ पर अभी जो है कंटेंट वगैरह अपलोड होना है, मतलब कुछ कर रहा हूँ उधर से उठा उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पर प्रॉपर आर्टिकल लिखना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो ये जो है वो भी 3-7 तकरीबन पिक्चर्स जो है, पोस्ट जो है वो मैंने किए हैं। आपको यहाँ से सारा स्टॉक मिल जाएगा। 20 की मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट ये भी यहाँ पर पोस्ट हो गई। अगर आप इसका बैकग्राउंड लेना चाहते हैं, यानी अगर आप देख के समझ लेंगे, तो जस्ट सिंपल आप इधर आएँ और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें, ये इमेज फुल हाई एंड रेजोल्यूशन में लोड हो जाएगी। आपने सिंपल इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे तो आपको ये पाथ आपका दिखा देगा जहाँ भी आपने इसे सेव करवाना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मेरी पिक्चर एडिटिंग का ट्यूटोरियल मिलेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है वो वही पुराना लगा हुआ है, क्योंकि अभी इस पर काम होना है। बहरहाल कर रहा हूँ मैं इस पर काम। एंड अब यहाँ पर एक आपको चीज़ मैं बताता चलूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा बैकग्राउंड का ऑप्शन। आज जब बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, बट अभी यहाँ पर ब्लॉग शो हो रहे हैं। ये काम जो है इस पर मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर सारे बैकग्राउंड्स मिलेंगे उसके रिलेटेड, आपको सारी डिटेल मिलेगी। उसके बाद आपको अगर इंडोर बैकग्राउंड चाहिए तो आपने जस्ट इंडोर पे जाना है, आउटडोर चाहिए आपने आउटडोर पर जाना है, पीएनजी चाहिए तो आपने पीएनजी पे जाना है। और स्पेशल इवेंट में ऐसे आ जाएंगे जैसे कि ईद या और दूसरी स्पेशल इवेंट जैसे न्यू ईयर वगैरह, इस तरह के स्पेशल इवेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा फोटो कॉन्टेस्ट। ये एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ है, आपने जब इस पर क्लिक करना है आपको ये इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर अभी फिलहाल तो मैंने अपनी एक ही पिक्चर अपलोड की हुई है, टेस्टिंग के तौर पे की थी मैंने। यहाँ पर क्या होगा कि आप अपनी अपनी जो आपने एडिटिंग की है तो वो आपने यहाँ पर आके अपलोड करनी है। जो भी आपने एडिट की है अपनी पिक्चर, वो आपने आके यहाँ अपलोड करनी है। फिर जो आपकी पिक्चर पे ज़्यादा लाइक आएंगे, यानी यहाँ से आपको सिंपल एक लाइक मिलेगा। अभी तो ये मुझे कहेगा कि आपको लॉगिन होना पड़ेगा, प्लीज इसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा मेरी साइट पे। वो भी बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं रखा मैंने, बहुत ही ईजी रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपने अपनी अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। फिर जिसकी पिक्चर की एडिटिंग ज़्यादा होगी, मैं भी यहाँ पर पिक्चर देखूंगा और मुझे जिस जिसकी पिक्चर पसंद आएगी मैं उनको लाइक भी करूंगा। जैसे सिंपल फेसबुक होता है, तो जिसके ज़्यादा लाइक होंगे वो विनर होगा। विनर को एंड पे क्या दिया जाएगा, तो ये अभी सीक्रेट है, ये हम बाद में बताएंगे। वैसे इन शॉर्ट मैं अपने चैनल पे भी उसको अनाउंस करूंगा। और एक जिस सिंपल सा कि छोटा सा कॉन्टेस्ट है, अपनी अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, यहाँ पर लोग देखेंगे, मुझे आइडियाज़ मिलेंगी आपकी पिक्चर से, क्योंकि मेरे पास भी इतना आइडियाज़ नहीं है कि मैं दूसरे वर्क में बिजी रहता हूँ। तो जब आप कोई पिक्चर अपलोड करेंगे तो मुझे उसका आइडिया मिलेगा कि यार इसने अच्छी पिक्चर करी है, तो मैं भी आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। आपसे अगर आपके पास के बैकग्राउंड जो एसेट्स है वो मैं लूंगा, फिर उसको अपनी पिक्चर पे अप्लाई करके एडिट करके, या आपसे ही आपकी पिक्चर लेके उसको एडिट करके अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा। यानी इस तरह से कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, मैं भी आपको बताने लगा हूँ। आपको यहाँ पर जब भी, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सर्च, अगर आप अपनी इमेज सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना जस्ट टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू, यहाँ पर आपको ओल्डेस्ट न्यूएस्ट और मोस्ट मोस्ट वोटेड, वोटेड यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है लाइक कीजिएगा, यानी कि वोट जिसको ज़्यादा वोट पे लेंगे, जो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे जो उनसी इमेज को, वो आपको यहाँ पर जो है वो आ जाएगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। उससे पहले हम यहाँ से अपनी लाइन वाइज चलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स, तो आपने जिस ट्यूटोरियल पर क्लिक कर देना है, ट्यूटोरियल्स पर, यहाँ पर आपको मेरे सारे जो चैनल है वो पूरा आ जाएगा। यहाँ मेरी वीडियोस कितनी है, मेरे टोटल व्यूज कितने हैं, और यहाँ मेरी वीडियोस कौन कौन सी वीडियोस हैं मेरी अपलोड हुई हैं। यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे देन मोर वीडियोस लोड हो जाएंगी, यानी आपको यूट्यूब पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने जैसे कि मैं आपको चाहता हूँ मैं अपनी ये वाली वीडियो वॉच करूँ, जस्ट आपने सिंपल क्लिक करना है
वो यहाँ पर आ जाएगी एंड प्ले हो जाएगी। तो ये जो छोटे सी है, मैंने इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा अबाउट। अबाउट में कॉन्टैक्ट है, यानी अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करेंगे, बट अभी ये वर्किंग में नहीं है, बट ये हो जाएगा। उसके बाद हेल्प है, अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं वो है। फिर साइन अप, लॉगिन, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने लॉगिन करना है, और अगर आप साइन अप करना चाहते हैं तो साइन अप। और अभी रिक्वेस्ट एडिटिंग भी चल रहा है प्रोसेस में, इसका भी काम अभी बाकी है। बट यहाँ पे क्या होगा मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर आपने मुझे अपनी कोई पिक्चर देनी है और आप चाहते हैं कि वो मैं एडिट करके दूँ, तो यहाँ पर आप मुझे वो अपनी जो पिक्चर सेंड करेंगी और मैं उसको एडिट करके आपको वापस सेंड कर दूंगा। इसके बाद हम करते हैं साइन अप पे, ताकि अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप फोटो कैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर अपनी फोटो कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर आपने जो सिंपल जो साइन अप का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आपने अपना यूजर नेम लिखना है, जैसे कि मैं अपना लिखता हूँ। ओके, मैंने आगे 123 लिख दिया क्योंकि हुजैफा मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं उसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखूंगा, उसके बाद मैं अपना लास्ट नेम लिखूंगा एंड अपना ईमेल लिखना है। तो मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपना जो है वो पासवर्ड लिखना है, कोई भी आपका जो भी पासवर्ड होगा वो आपने अपना पासवर्ड लिखना है। तो मैं यहां पर अपना पासवर्ड लिख देता हूं। ओके, कोशिश करेंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें और पासवर्ड सेम होना चाहिए, और यहां से आप हाइड एंड शो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने जो है वो पासवर्ड अपना लगा दिया। एंड अब इसके बाद आपने अपने सेलेक्ट जेंडर, यानी आप मेल है या फीमेल, आपने वो सेलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डाल देनी है यहाँ पर, तो ओके। देखिए आपने यहाँ पर अपना सारा कुछ ओरिजिनल देना है, अगर आप कुछ फेक देंगे देन आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आपने जो सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है, तो आप सक्सेसफुली जो है वो साइन अप हो गए। और साइन अप होने के बाद आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल शो होगी, छोटी मोटी प्रोफाइल है, इतने की ज़्यादा यहाँ पर होनी है। एंड प्रोफाइल डिटेल आपको यहाँ पर आपकी मिल रही होगी सारी। अगर आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर भी लगाता हूँ ओपन। यहाँ पे आप अगर आप अपनी कोई चीज़ें वगैरह कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इसे सेव कर देंगे, और ये जो है वो हमारी प्रोफाइल तिल लग गई, ये देखें। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने इधर आ जाना है अपने फोटो कॉन्टेस्ट पर। तो यहाँ पर आने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, यहाँ पर जब शो हो जाएगी आपने क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है वोट फॉर दिस फोटो। ओके, आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल इस पिक्चर के ऊपर इस बटन पर क्लिक करना है। ओके, तो देखिए वो कह रहा है थैंक यू, आपका वोट जो है वो काउंट हो गया। एंड यहाँ पर आने के बाद आपको एक यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा न्यू टॉप 10, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लाइव काउंट नज़र आ रहा होगा कि जो सा यूज़र है उसका नाम आ रहा होगा यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, ये देखें ये नंबर फर्स्ट पे है और ये। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे तो आप वो कैसे करेंगे। सिंपल है, आप अपलोड फोटो पर क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों इस पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपका कोई भी अपने जहन में आपने टाइटल है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैं जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ शॉप 7 पॉइंट शो एडिटिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके जहन में कोई डिस्क्रिप्शन है, आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने वर्क को, देन आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर लिमिट है 2 MB की, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप 2 MB से ज़्यादा ना होने दें अपनी पिक्चर। ओके, ये देखें अब ये मेरी सही रेजोल्यूशन है तकरीबन, ये देखें आप देख सकते हैं, बट 234 KB की है ओनली, ठीक है, 234 KB की है। तो आप जो है रिजल्ट कम कर सकते हैं अपना, यानी कि फुल हाई एंड भी नहीं अपलोड करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अपलोड करोगे देन मेरी वेबसाइट पर लोड ज़्यादा हो जाएगा और इमेज लोड नहीं होगी क्योंकि उनकी MBs बहुत बढ़ जाएंगी। तो अब ये मैंने अपनी इमेज को जस्ट सिलेक्ट किया एंड ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये अब बात इसका आ गया, और यहाँ पर आपने सबमिट फोटो पे क्लिक कर देना है।
ये मेरी फोटो जो है वो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोड होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताता जाऊँ कि यहाँ पर जो है वो आप अपनी सिर्फ और सिर्फ 10 पिक्चर्स ही अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें ये चीज़ है कि ये हर मंथ रीसेट हुआ करेगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। अभी जो है ये कॉन्टेस्ट वो 26 तारीख तक जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, 1 महीने का। इसके बाद फर्स्ट से दोबारा स्टार्ट होगा। तो आपने अपनी जो टॉप 10 पिक्चर्स हैं आपकी, आपने अपनी वो निकालनी है और वो यहाँ पर अपलोड कर देनी। तो अभी आपको देखा समझ आ गया होगा, तो अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोबारा होम के आइकन पे क्लिक करूँगा मैं और इधर आ जाऊँगा। तो ये देखें यहाँ पर मेरी ये पिक्चर आ गई, ओके। और फिर आपने यहाँ से वोट फॉर दिस पिक्चर पे जस्ट क्लिक करोगे, देन वो वोट हो जाएगा। थैंक यू। एंड अगर आप यहाँ बैक आए तो यहाँ पर आपको अपना वोट काउंट हुआ हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जूम करके भी पिक्चर देख सकते हैं। और उसके बाद अगेन अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे देन वो आपको उस पूरी फोटो को व्यू करके दिखाएगा। तो अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेक्स्ट फोटो पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके व्यूज़ आएंगे कि आपको कितने व्यूज़ मिले, और आप शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद योर इमेजेस में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी इमेजेस मिलेंगी, अभी सक्सेसफुली एक्टिव है। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखें, यहाँ पर प्लीज़ कोई भी मतलब गंदी पिक्चर या और कोई ऐसी पिक्चर जो किसी रिलीजन को टारगेट करती हो, किसी मजहब को टारगेट करती हो, या मतलब कि अपनी एडिटिंग के रिलेटेड ही यार अपलोड करना, कोई भी ऐसी पिक्चर अपलोड नहीं करना। अगर आप करेंगे देन आपका अकाउंट मैं बैन कर दूंगा और आप फिर इधर रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकेंगे। जस्ट ये अपने यार अपने जो फैमिली है चैनल की, ये उसके लिए मैंने बनाया कि आप यहाँ पर आएँ, अपनी पिक्चर्स अपलोड करें, मुझे भी आइडियाज़ मिलेंगे और आपको भी कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो क्या होगा वो मैं भी आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आप आएंगे यहाँ पर काम करेंगे अपना, मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे ही। और रही बात एडिटिंग की, तो यार मैं अभी जो है ना प्रोजेक्ट्स में बिजी था, मैं आज से जो है आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वेबसाइट, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों रही बात ट्यूटोरियल्स की, तो आप जब यहाँ पर फोटोज अपलोड करेंगे तो मुझे उसका आइडिया होगा कि यार आपने ये पिक्चर्स बनाई है, तो मज़ीद मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। और अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा और यहाँ पर आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी। तो ईमेल जो है वो मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट फिर भी अगर आप ईमेल करेंगे मैं आपको रिस्पांस दूंगा, बट लेट आएगा। तो अगर आप जल्दी रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, फेसबुक मैं इतना यूज़ नहीं करता। यहाँ पर आपको मैं जो है वो फ़ौरन बता दूंगा कि आपने आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या पूछना है। अगर आप मेरे से कुछ एडिटिंग के रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी सारा कुछ बताऊंगा, और ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैं अपलोड करूंगा। दरअसल कंटेंट जो है वो समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से मैं कुछ बिजी था। मुझे यकीन करें मेरे जो सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसे हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करा, कुछ ने मुझे फ़ोन कॉल की कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो बहुत सारी रीजन हैं इसकी पर्सनल, बट मैं जो है वो अब आने लगा हूँ, उस पर एक्टिव होऊंगा आपके साथ। तो मिलते हैं फोटो कॉन्टेस्ट में, मैं भी अपनी एडिटिंग करके इस पर अपलोड करूँगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जैसा कि आपने देखा होगा मैं ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पर इधर उधर सब जगह यही बता रहे हैं। तो यहाँ पर आए, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी बोर नहीं होऊंगा, क्योंकि घर में इंसान बोर हो जाता है। तो यहाँ एंजॉय करें यार, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़रूरी नहीं कि ये मेरी वेबसाइट पे है, यहाँ भी अपलोड करें अपना कंटेंट, मैं भी आपके साथ हूँ, कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और स्टे सेफ, अपने आप को कोरोना से बचा के रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉच।